हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य क्विज़ 5। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में हिंदी साहित्य के क्विज़ 4 से 1 तक देख चुके हैं, अगर आप लोगों ने उन क्विज़ों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हिंदी साहित्य से संबंधित सारी क्विज़ और हिंदी साहित्य की जितनी भी वीडियोज़ हमने यहाँ बनाई हैं उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये टॉप 20 सवाल हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए सवाल हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें ये वीडियोस देखें। पहला सवाल है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? इसके ऑप्शंस हैं ए, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, बी, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, सी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना या डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका जो सही जवाब है वह है सी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अगला सवाल है, णा व्यंजन है कैसा है? ए, तालव्य, बी, मूर्धन्य, सी, दंत्य या डी, दंत्योष्ठ्य। तो इसका सही जवाब है बी, मूर्धन्य। अगला सवाल है, आ स्वर है किस प्रकार का स्वर है? इसके ऑप्शंस हैं ए, विवृत, बी, अर्धविवृत, सी, संवृत या डी, अर्धसंवृत। इसका सही जवाब है ए, विवृत। चौथा सवाल है, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए, वर्णमाला, बी, लिपि, सी, शब्द या डी, वाक्य। इसका जो सही जवाब है वह है सी, शब्द कहते हैं। अगला सवाल है, जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए, विधिवाचक वाक्य, बी, निषेधात्मक वाक्य, सी, आज्ञावाचक वाक्य या डी, इच्छावाचक वाक्य। इसका जो सही जवाब है वह है ए, विधिवाचक वाक्य। छठवां सवाल है, राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष है कौन सा वर्ष है? इसके ऑप्शंस हैं ए, 1950, बी, 1955, सी, 1956 या डी, 1960। इसका सही जवाब है बी, 1955 आयोग गठन का वर्ष है। अगला सवाल है, सर्कुलर का हिंदी शब्द है क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए, कार्यालय आदेश, बी, परिपत्र, सी, आख्या और डी, अनुस्मारक। इसका जो सही जवाब है वह है बी, परिपत्र। आठवां सवाल है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? इसके ए, अंग्रेजी भाषा, बी, पाली प्राकृत भाषा, सी, फ्रांसीसी भाषा या डी, हिंदी भाषा। इसका जो सही जवाब है वह है सी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला सवाल है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए, राष्ट्रभाषा, बी, राजभाषा, सी, परिनिष्ठ भाषा या डी, बोली। इसका जो सही जवाब है वह है डी, बोली कहते हैं। दसवां सवाल है, बाबूराम विष्णु पराड़कर किस दैनिक के संपादक थे? इसके ऑप्शंस हैं ए, विश्वमित्र, बी, सनमार्ग, सी, आज और डी, गांडीव। इसका जो सही जवाब है वह है सी, आज। अगला सवाल है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, कर्तृवाच्य, बी, कर्मवाच्य, सी, भाववाच्य या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है सी, भाववाच्य। अगला सवाल है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए, मेमोरियलिस्ट, बी, मेथोडोलॉजी, सी, मेमो या डी, एप्लीकेबल। तो इसका जो सही जवाब है वह है सी, मेमो। मेमो ज्ञापन के लिए अंग्रेजी। अगला सवाल है, अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है कौन सा शब्द है? इसके ऑप्शंस हैं ए, होनोरेरियम, बी, होनोरेरी,
सी, ग्रांड या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है बी, होनोरेरी, या इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, उच्चारण के आधार पर आ है क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ओष्ठ, बी मूर्धन्य, सी तालव्य या फिर डी कंठ। इसका जो सही जवाब है वह है डी कंठ। अगला सवाल है, एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है कौन सा? हिंदी शब्द है, इसके ऑप्शंस हैं ए निविदा, बी कार्य, सी कार्य सूची या फिर डी तदर्थ। इसका जो सही जवाब है वह है सी कार्य सूची, एजेंडा के लिए कार्य सूची। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश में हुआ? उसका नाम है क्या नाम है? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए मगधी अपभ्रंश, बी शौर सैनी अपभ्रंश, सी महाराष्ट्री अपभ्रंश या फिर डी ब्राचड अपभ्रंश। इसका जो सही जवाब है वह है सी बी शौर सैनी अपभ्रंश। अगला सवाल है, भरत के अनुसार रसों की संख्या है कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 11, बी 10, सी 9 या फिर डी 8। इसका जो सही जवाब है वह है डी 8, रसों की संख्या 8 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव नहीं है, इसके लिए ऑप्शंस हैं ए स्वर भंग, बी अवहित्था, सी उन्माद या फिर डी व्याधि। इसका जो सही जवाब है वह है ए स्वर भंग, यह संचारी भाव नहीं है। अगला सवाल है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका सूत्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके लिए ऑप्शंस हैं ए आनंदवर्धन, बी मम्मट या फिर डी विश्वनाथ। इसका जो सही जवाब है वह है डी विश्वनाथ, वाक्य रसात्मक काव्यम। अगला सवाल है, काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन थे? इसके लिए ऑप्शंस है ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी कॉलरिज या फिर डी टी एस एलियट। इसका जो सही जवाब है वह है सी कॉलरिज। दोस्तों, आपके लिए हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है @tayarikarlo। आप इस अकाउंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी समस्या और सुझाव भी शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियोस में भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और तैयारी कर लो चैनल के साथ बने रहें। अगली वीडियो में हम फिर कुछ और क्विज लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।